हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मस्टर एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल एंड फंक्शनल फूड के बारे में। जी हाँ, क्या होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, क्या होते हैं फंक्शनल फूड, जानेंगे इस वीडियो में विथ एग्जाम्पल और कौन कौन से इस टॉपिक में से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने की संभावना है और असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट में कौन सा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए न्यूट्रास्यूटिकल एंड फंक्शनल फूड ये दोनों ही अलग अलग डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं। देखिए न्यूट्रास्यूटिकल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है न्यूट्रा, इट मींस न्यूट्रिशन, एंड सूटिकल मींस फार्मास्यूटिकल। देखिए ये हमारे फार्मेसी फील्ड में, जैसे कि आप जानते हैं मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है मेरे फार्मेसी फील्ड में मैं पढ़ाता हूं, तो उसके रिगार्डिंग हमें पता है कि फार्मास्यूटिक्स एक हमारा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें टैबलेट कैसे बनानी है, कैप्सूल कैसे बनाना है, सिरप कैसे बनानी है, सस्पेंशन कैसे बनाना है ना। टैबलेट आप लेते होंगे जब आपको पैरासीटामोल बुखार आता है, जब आप टैबलेट लेते होंगे, इस टैबलेट को बनाने का जो सब्जेक्ट होता है हमारा उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स, है ना। तो यहां पे देखिए आप देख रहे हो फार्मास्यूटिक्स जो है ना, फार्मा हटा दिया, सूटिक्स ले लिया, मतलब बनाने का प्रोसेस। और ये क्या है, न्यूट्रा, बोले तो न्यूट्रिशन से बनी हुई एक ऐसी टेबलेट या कैप्सूल जो कि हमें सप्लीमेंट के रूप में लेनी है, ठीक है। तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है न्यूट्रास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रिशन से मिलकर बना न्यूट्रास्यूटिकल। और फंक्शनल फूड क्या होता है, मतलब जितने भी ऐसे फूड जो कि मॉडिफाइड रूप से उसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन हम भर के उसको फिर यूज करते हैं उसको फंक्शनल फूड बोलते हैं। देखिए प्रॉपर वे में डेफिनेशन से जानेंगे कि क्या होते हैं दोनों। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हम जितने भी जो भी टॉपिक पढ़ता है फर्स्टली उसको बहुत ही सिंपली वे में हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आने वाला टॉपिक जो है किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है वो आप इजी वे में उसको अटेंड कर पाओ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ न्यूट्रास्यूटिकल एंड डिफरेंस फॉर द फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो फंक्शनल फूड में दोनों में डिफरेंस क्या है सर, बेसिक से बताइए। सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूं फिर इसको आपको डिफाइन करता हूं। पहला क्या है, फंक्शनल फूड लुक लाइक अ फूड एंड आर मॉडिफाइड फॉर ग्रेटर न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है। इसका मस्त एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखिए फोर्टिफाइड जो मिल्क होता है आपका, फोर्टिफाइड मिल्क क्या होता है सर, देखिए मिल्क जो होता है जैसे सिंपल सा आप गाय का दूध लेके आए, अब इस गाय के दूध को मैंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, उसमें और प्रोटीन डाल दी, और न्यूट्रिशन डाल दिए, बहुत सारे कैल्शियम मैग्नीशियम सारा करके फिर उसको मार्केट में मैंने बेचा, इसको मैं क्या बोलूंगा, फंक्शनल फूड, ठीक है। मतलब यहां पे देखिए डेफिनेशन क्या है, फंक्शनल फूड आर लुक लाइक ए फूड, फूड की तरह होते हैं, ठीक है। मिल्क क्या है, फूड की तरह है, और एंड मॉडिफाइड, जिसको कि मैंने मॉडिफाई कर दिया और भी ज्यादा न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, उसको मैं बोलूंगा फंक्शनल फूड। और न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं कि जो डेली सप्लीमेंट है आपके, है ना, डाइट्री सप्लीमेंट, जैसे कि यहां पे देखिए डाइट्री सप्लीमेंट लुक लाइक ए ड्रग, मतलब जो सप्लीमेंट है, जैसे कि आपने देखा होगा ड्यू टू कोरोना में आपने बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट लिए होंगे, कैप्सूल लिए होंगे, है ना, फ्लेक्सिड ऑयल लेते हैं आप बहुत सारे, तो उसमें होता क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल डेली जो आपके सप्लीमेंट है वही सप्लीमेंट यहाँ पे जो है इसमें मेड अप होते हैं, है ना। ड्रग्स जो कि सप्लीमेंट जिसका कि हम जैसे कि कैप्सूल बना दिया, टेबलेट बना दिया, आपने देखा होगा बहुत सारे हिमालय के प्रोडक्ट आते हैं, पपैया लीप एक्सट्रैक्ट, ये बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिशन डाइट्री सप्लीमेंट जो है हम ले लेते हैं जिसको कि हम टैबलेट और कैप्सूल में बदल देते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। समझ में आ रही बात, आगे और भी अच्छे से इसको एग्जांपल देके हम समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या है, डाइट्री सप्लीमेंट लुक लाइक ए ड्रग, मतलब या फिर तो टैबलेट की तरह दिखेंगे या कैप्सूल की तरह दिखेंगे, आर मेड अप फ्रॉम फूड आइसोलेटेड न्यूट्रिशन और फूड लाइक सब्सटेंस और health in nutraceutical are sector for dietary supplement made only for whole food are human health। देखिए होता क्या है, जैसे कि मैं आपको एक example दूं, हल्दी जो है, है ना, हल्दी को आपने क्या किया, एक किलो हल्दी को लिया और उसको रोज को आप सामने शाम को आप दूध में मिला के पीते, ठीक है। अब इस हल्दी में होता क्या है ऐसा जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, वो न्यूट्रिशन है कुरकुमिन। कौन सा है, कुरकुमिन, आपने सुना होगा, जिसके कारण हल्दी का पीला कलर, कुरकुमिन जिसको हम बोलते हैं। अब आप बाजार में जाओगे मेडिकल स्टोर पे और वहां बोलोगे कि सर मुझे कुरकुमिन का कैप्सूल दे दो,
मुझे तो दूध हल्दी का नहीं पीना है, मैं तो शाम को कुरकुमिन का कैप्सूल ले लूंगा। मतलब कि जो हल्दी में जो एक्सट्रैक्ट था, जो न्यूट्रिशन है, जो सप्लीमेंट है, उसको मैंने निकाल दिया और उसका कैप्सूल बना दिया, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रास्यूटिकल। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल विथ हमें पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल फूड आर फूड दैट प्रोवाइड द बोथ हेल्थ बेनिफिट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड बेसिक न्यूट्रिशन। अब पहले बात तो सर, टॉपिक किसी को भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते क्यों है, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स जितने भी है या फिर हमारे पास हम देखते हैं फंक्शनल फूड, उसमें क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूसली न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट डेली सप्लीमेंट लेते हैं, उससे हमारा हेल्थ जो है, बॉडी है, वो बेनिफिट रहता है और इसके कारण हमें क्रोनिक डिजीज, मतलब लंबे समय तक पुरानी समय से कोई बीमारी को है, वो आने का खतरा नहीं रहता है, वो टल जाता है ना। एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज, क्या मतलब, एक्यूट बोले तो अचानक से कोई डिजीज आई आपको इन्फेक्ट कर गई, क्रोनिक डिजीज बहुत लंबे सालों से थी, अब आपको उसका पता चला है कि ये मेरे को ये डिजीज हो गई, तो ये सारी डिजीज होने से ले हम बच सकते हैं, ये न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल फूड हम लेंगे तब ये बच सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके टॉपिक में, डेयरी विभाग में आप जाने वाले हो, तो डेयरी विभाग में ये टॉपिक क्यों ऐड हुआ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्टिफाइड मिल्क, मिल्क को मॉडिफाई करके इसको फंक्शनल फूड बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका, आल्सो नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल फंक्शनल फूड आर हाईली न्यूट्रिशन एंड एसोसिएटेड विद द number of powerful health benefits. For example, they protect against the disease, prevent nutrition deficiency and promote the proper way of growth. आपकी growth जो है वो proper way में होती। Next, the term of nutraceutical was found to be the nutrition and pharmaceutical. जैसा कि मैंने आपको बताया, Stephen एक scientist थे, उन्होंने सबसे पहले इस term का use किया। Next, the functional food are similar appearance to convenience food. The formula of being a consumer is a part of normal diet. In contrast to convenience food, functional food, however, the demonstration physiological benefit can reduce the risk of chronic disease and beyond the basic nutrition function, include the maintenance of gut health. जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना आप nutraceuticals and functional food लेंगे, तो chronic disease आने की संभावना कम होगी। अब nutraceuticals सब example देके समझाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो example ये है, ये क्या है सर, ये अलसी है। अलसी हमने देखी होगी, अलसी हम क्यों यूज करते हैं सर, हम अलसी कब यूज करते हैं, जब हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है शरीर में, तो अलसी के अंदर क्या होता है, फ्लैक्सीड ऑयल होता है, वो ऑयल हमारे ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो है वो उसमें होता है, तो ओमेगा थ्री फैटी एसिड हमारे लिए सप्लीमेंट है, वो मुझे लेना है, तो मुझे तो अलसी नहीं खाई जाती सर, मुझे तो एक कैप्सूल दे दो। तो भैया ये आपके लिए कैप्सूल बन गया, यहाँ पे ये कैप्सूल आ गया, फ्लैक्सीड ऑयल के कैप्सूल आते हैं, रोज एक कैप्सूल ले लो, अलसी नहीं खा पा रहे, तो ये प्रोडक्ट जो है, ये कैप्सूल आपको दिख रहा है, ये है न्यूट्रास्यूटिकल। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रास्यूटिकल। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, ये अलसी है और इसका ऑयल है फ्लैक्सीड ऑयल, जो हमारे यूज आता है, तो ये एग्जांपल जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल है। अब आता है सर, इसी हिसाब से हम फंक्शनल फूड को समझा दो सर। ये देखिए सर, नेस्ले का फोर्टिफाइड मिल्क आता है। अब ये मिल्क तो बड़ा महंगा आता है, क्यों, क्योंकि भैया इसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन मिले हुए हैं, बहुत ही महंगा मिल्क इसलिए। देखिए, फोर्टिफाइड मिल्क इज ए काउ मिल्क दैट कंटेन एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा मिनरल एंड नॉट न्यूट्रिफाइन मिल्क सफिशियंटली अमाउंट टू फोर्टिफाइड मिल्क विटामिन ए, पालमेंट, विटामिन डी एंड बहुत सारे विटामिन डाल डाल के इस मिल्क को बेचा जाता है, इसको फोर्टिफाइड मिल्क देते हैं। और ये दिस इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल फूड। समझ में आ गया, दोनों ही चीज हमको समझ में आ गई। ये एक्चुअली ज्यादा फॉरेनर्स में ज्यादा चलते हैं, हम लोग भी प्रिफर करते हैं, इंडिया में भी लोग प्रिफर करते हैं, बट लेस प्रिफर करते हैं, हम तो शुद्ध गाय का दूध जो है वही प्रिफर करते हैं भैया, है ना। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ से सर क्वेश्चन कौन सा बना था, डेयरी असिस्टेंट केमिस्ट में, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना था, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक, तो जिसमें कि आपका याकूट जो है वो प्रोबायोटिक, आपने इसकी टीवी पे एड देखी होगी, याकूट क्या है, एक प्रोबायोटिक जो कि आपके डाइजेशन को प्रॉपर वे में रखता है। देखिए, प्रोबायोटिक इज ए सेलेक्टिव फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट और फाइबर दैट अलाउ द स्पेसिफिक चेंज बोथ इन कंपोजिशन एंड क्रिएटिविटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिजल्ट कॉन्फिडेंट ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल ऑफ हेल्थ होन होस्ट। मतलब ये खाने से आपके डाइजेशन अल्टीमेटली अच्छा रहता है, आपकी ग्रोथ अच्छी रहती है, आपका जो प्रोबायोटिक जो एसेंशियल बॉडी को डाइजेशन के लिए और जिसमें भी अपने गैस जो आंत है, इंटेस्टाइन है, इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
उनके लिए जो हम प्रोबायोटिक जो है वो हमें लेना चाहते हैं। तो कर्ड जो है हमारा, दही जो है, दही भी इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबायोटिक। समझ में आ गई बात। तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया था, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट तो बनता ही बनता है, तो अभी कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, है ना। तो देखो एक्चुअली अब जैसे कि ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक भी मैंने क्लियर कर दिए हैं, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए इट इज अ स्मॉल एफर्ट्स उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हम उम्र ही है, बट एक्चुअली मैं लेक्चरर हूँ तो वो एक चीज आ जाती है कि यू नो स्टूडेंट वाली फीलिंग। ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी मेरे हम उम्र है, दोस्त हैं, सका है, साथी है। तो मेरे देखिए ऐसा है कि इसके पीछे कोई ऐसा कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है, बस एक चीज होती है ना कि भाई जितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उनको मेरी वजह से अगर एक भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट थे हमारे, तो उन्होंने मुझे एक बार रिक्वेस्ट की, जैसे कि हमारे ही कॉलेज में कुछ एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की सर ये जो हालांकि हमारा डिपार्टमेंट पूरा अलग है, मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की सर ये जो एनालिटिकल पोर्शन है तो वो आप हमको समझा दीजिए। तो मैंने कहा क्यों ना इन स्टूडेंट तक, सारे स्टूडेंट तक पहुँचा जाए। तो मैंने यूट्यूब का जरिया लिया, और यूट्यूब पे जो कारोबार बढ़ रहा है वो आपकी सपोर्ट की वजह से है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आपके इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड जितने भी क्रोमेटोग्राफी यूवी वूवी और कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कल वीडियो आने वाला है, वो मिस मत करना। वो वीडियो पे जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सब बता दूंगा। शायद वो वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता इंस्ट्रूमेंटेशन में से आप एक भी क्वेश्चन गलत करके आए, पहली बात। और मैं कल या परसों में लाइव आने का सोच रहा हूँ, जितने भी आपके आरसीडीएफ रिलेटेड डाउट है आपको मुझे पूछें, मैं पूरी कोशिश के साथ उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।